डी सी मैम के हुक्मां के तहत अज तहसीलदार सर के नाल ते एस डी एम सर मैम की उन्हां दी छत्र छाया हेठ असी सारिया ने अज इंस्पैक्शन की है लोपो किते चुगावे विच। असी ज़्यादातर जड़िया मिठाई वाली दुकाना चैक कीतिया ने ते डेयरी वगैरह करियाना स्टोर चैक किया जिन्हां दे एक्सपायर मटीरियल सीगा वो असी सुटवाया है ते जिथे पिंक चमचम वगैरह बन रही है इन्हां नूं अवेयर किया कि तुसी वो नहीं यूज़ करनी या नहीं बनानी। तो इन्हों भी दसया गया है कि तुसी अगर साफ सुथरा बनाओगे तो डी सी मैम वालों थानू अवार्ड भी मिलया जाएगा। इस करके इन्हों ज़्यादातर यही किया गया कि बच्चों नहीं रखना जो 18 साल तो घट उम्र के बच्चे ने उन्होंने अलाउ नहीं है कि तुम शॉप्स से या कितने भी काम करो चाइल्ड लेबर नहीं करानी। तो तीन चार चीज़ा जड़ियाँ इन्हों मेन दसया गया कि समझा के गए हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखना है जिमें हूँ त्यौहार आ रहा दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो सारे लोग जड़े ने मिठाइया वगैरह खरीदते हैं सारे का पसंद फेस्टिवल है। तो इस करके सारे यही क्या भी ज़्यादातर साफ सफाई का ध्यान रखो चंगा साफ सुथरा बनाओ असी वो चीज़ बनाई है जो असी अपने बच्चों भी खिला सकी ताकि सानू अगों दी अजकल इन्नी बीमारियां आ रही हैं ताकि असी अपने आने वाली पीढ़ी नू भी बीमारियों तो भी बचा सकीए तो साफ सुथरा खाना सारे नू प्रोवाइड करा सकी। नहीं साड़ी तो रेगुलर इंस्पैक्शन होंदी रहिंदी है असी आते रहिंदे हां पर यह है कि त्यौहारा दे दिनां च जिवें मिठाई वगैरह ज़्यादा बनती है या डेयरी वगैरह का ज़्यादा काम यूज़ हुंदा है तो सानू थोड़ा हुंदा है कि मतलब एडल्ट्रेशन ना हो जाए इस करके सानू थोड़ी ज़्यादा चेकिंग करनी पैंदी। कार्रवाई हाँ जी जड़े सैंपल भरे गए कोई उन्होंने विरोध असी अजी सैंपल लिते हैं थोड़े जे मिठाइया के ही लिते हैं बर्फी वगैरह का लिता है तो चमचम वगैरह का मसालों का सैंपल लिता है तो असी हूँ लैब भेजांगे तो वो रिपोर्ट 15-20 दिन तक आएगी फिर उस तो बाद ही अगर कोई फेल आया सैंपल फिर वो अगेंस्ट फिर केस वगैरह लगावे। डी सी मैम के हुक्मों के तहत अज तहसीलदार सर के नाल ते एस डी एम सर मैम की उन्होंने छत्र छाया हेठ असी सारिया ने अज इंस्पैक्शन की है लोपो किते चुगावे विच। असी ज़्यादातर जड़िया मिठाई वाली दुकाना चैक कीतिया ने ते डेयरी वगैरह करियाना स्टोर चैक किया जिन्हां दे एक्सपायर मटीरियल सीगा वो असी सुटवाया है ते जिथे पिंक चमचम वगैरह बन रही है इन्हों अवेयर किया कि तुसी वो नहीं यूज़ करनी या नहीं बनानी। तो इन्हों भी दसया गया है कि तुसी अगर साफ सुथरा बनाओगे तो डी सी मैम वालों थानू अवार्ड भी मिलया जाएगा। इस करके इन्हों ज़्यादातर यही किया गया कि बच्चों नहीं रखना जो 18 साल तो घट उम्र के बच्चे ने उन्होंने अलाउ नहीं है कि तुसी शॉप्स से या कितने भी काम करो चाइल्ड लेबर नहीं करानी। तो तीन चार चीज़ा जड़िया इन्हों मेन दसया गया कि समझा के गए हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखना है जिमें हूँ त्यौहार आ रहा दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो सारे लोग जड़े ने मिठाइया वगैरह खरीदते हैं सारे का पसंद फेस्टिवल है। तो इस करके सारे यही क्या भी ज़्यादातर साफ सफाई का ध्यान रखो चंगा साफ सुथरा बनाओ असी वो चीज़ बनाइए जो असी अपने बच्चों भी खिला सकी ताकि सानू अगों दी अजकल इन्नी बीमारियां आ रही हैं ताकि असी अपने आने वाली पीढ़ी नू भी बीमारियों तो भी बचा सकीए ते साफ सुथरा खाना सारे नू प्रोवाइड करा सकी। नहीं साड़ी तो रेगुलर इंस्पैक्शन होंदी रहिंदी है असी आते रहिंदे हां पर यह है कि त्यौहारा दे दिनां च जिवें मिठाई वगैरह ज़्यादा बनती है या डेयरी वगैरह का ज़्यादा काम यूज़ हुंदा है तो सानू थोड़ा हुंदा है कि मतलब एडल्ट्रेशन ना हो जाए इस करके सानू थोड़ी ज़्यादा चेकिंग करनी पैंदी। कार्रवाई हाँ जी जड़े सैंपल भरे गए कोई उन्होंने विरोध असी अजी सैंपल लिते हैं थोड़े जे मिठाइया के ही लिते हैं बर्फी वगैरह का लिता है तो चमचम वगैरह का मसालों का सैंपल लिता है तो असी हूँ लैब भेजांगे तो वो रिपोर्ट 15-20 दिन तक आएगी फिर उस तो बाद ही अगर कोई फेल आया सैंपल फिर वो अगेंस्ट फिर केस वगैरह लगावे।